भाजपा नेता दिलेश राणे द्वारा रत्नागिरी में गोमांस के खिलाफ आंदोलन किया गया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि दिलेश राणे ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर मेरी नजर थी, यदि कोई अपराध वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा किया गया है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य के गृह मंत्री ने भी पुलिस महानिदेशक को ऐसा आदेश दिया है, किसी भी सूरत में उनका समर्थन नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामंत ने यह भी कहा कि अगर अवैध तस्करी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सियासी गलियारों में रानी और सामंत मनोमिलन की बात की चर्चा चल रही है, जिस पर बोलते हुए सामंत ने आगे कहा कि रानी और सामंत कोकण में एक साथ काम कर रहे हैं, हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि सुलह की जरूरत है, हम महायुति में हैं और रहेंगे, हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई भी विवाद नहीं है, हम कोकण के विकास के लिए एक साथ है, इसलिए अन्य लोगों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामंत ने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में कोकण की सभी सीटें जीतेंगे। माझ्या मतदारसंघात ते आंदोलन होतं, मी त्याच्यावर पूर्ण नजर ठेवून होतो, काल मी रत्नागिरीमध्ये होतो, आज देखील मी रत्नागिरीमध्ये होतो। त्याच्याकडनं खरोखरच गुन्हा घडला असेल तो कुठच्याही जाती धर्माचा असू दे, त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी ही भूमिका पालकमंत्री या नात्याने मी घेतलेली आहे। स्वतः देवेंद्रजीने देखील राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून डीजीने आदेश दिलेले आहेत, त्याच्यामुळे जर काही घडलं असेल तर त्याला पाठीशी घालण्याचा कोणाचाही हेतू नाही, जो कोण असेल त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल ही आमची भूमिका आहे। आणि इललीगल जे काही तस्करी होते अशा पद्धतीचे जर कोण सापडले तर त्यांच्यावर देखील कडक कारवाई होईल। मला असं वाटत नाही की राणे आणि सामंत यांच्यामध्ये मनोमिलन करण्याची काही आवश्यकता नाही, आम्ही एकत्रच काम करतोय, महायुतीमध्ये काम करतोय, त्याच्यामुळे त्यांचं देखील आम्ही प्रामाणिकपणानं काम केलेलं आहे। मला असं वाटत नाही की आमच्या दोन कुटुंबामध्ये कुठं वाद आहे, आणि कोकणाच्या विकासासाठी आम्ही दोन्ही एकत्र आहोत, त्याच्यामुळे चिंता करण्याची काही आवश्यकता। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।